बाबा बालकनाथ राजस्थान से वरिष्ठ बीजेपी सांसद हमारे साथ हैं और मुद्दा है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है, अब मथुरा की बारी है। बाबा मथुरा में क्या काम होना है? मथुरा में भी सत्य की जीत होनी है और क्या काम होना है। जिस प्रकार से अयोध्या में सत्य की जीत हुई है इस प्रकार से मथुरा में भी सत्य की जीत होनी है और एक दिन वो सत्य उजागर होगा और प्रत्यक्ष रूप से सबको सत्य का अनुभव होगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, हम तो भारतवासी तो सब मानते हैं लेकिन संसार को और संवैधानिक प्रक्रियाओं को पालना करते हुए वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, ऐसी हमारी कामना है और ये कामना निश्चित रूप से एक दिन पूरी होगी। आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट का ये मतलब है कि लोग तैयार रहे मानसिक तौर पर कि जो लड़ाई अयोध्या में लड़ी गई? तैयार है लोग तो बराबर रूप से संघर्ष, जब से वहाँ पर मंदिर का विध्वंस हुआ तब से लेकर अब तक निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और आस्था के साथ जुड़कर, भावनाओं के साथ जुड़कर, अपनी मनोकामनाओं के साथ जुड़कर कि हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही भव्य मंदिर बनाए जिस प्रकार से भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है और निश्चित रूप से ये काम भी पूरा होगा क्योंकि वो सत्य है और सत्य कभी छिपता नहीं, सत्य कभी हिलता नहीं है, सत्य कभी भी झूठ नहीं फैलाता, सत्य सत्य ही होता है और सत्य समय लगता है बाहर निकलने में, एक दिन बाहर निकलकर सत्य हमारे सामने आएगा। इसके लिए भी आपको लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, सच्चाई का हम मान्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो हम सब में जाकर उस सच्चाई का प्रमाण देंगे, वो भी हमारी सच्चाई का सम्मान करेंगे क्योंकि न्यायपालिका की व्यवस्था में सत्य की जीत होती है और सत्य के लिए ही वो लोग जो है कि निरंतर कार्य करते हैं और सत्य के लिए हमेशा आगे आकर काम करते हैं, तो इसी प्रकार से मांगे उसकी भी जीत होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के, यानी कि बाबा बालकनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो और इसके लिए पूरी तरीके से लोगों के मन में आकांक्षा है। दिल्ली न्यूज़ से।